लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स पॉलीनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। अब इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि केवल सिंगल क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर। आप यहाँ नीचे फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में कुछ ग्राफ्स गिवन है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। For some polynomials px, कुछ polynomial px के लिए सभी ग्राफ्स गिवन हैं। Find the number of zeros of px in each case, और सभी ग्राफ के लिए हमें number of zeros find out करने हैं। यहाँ पे px का मीन ये है कि जो polynomial है उस वो वेरिएबल x में इन दिया हुआ है, जो भी polynomial दिया हुआ है उसकी वेरिएबल है x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है एंड ये है y एक्सिस, एंड x एंड y एक्सिस के अलावा आपको जो लाइंस दिख रही हैं वो है ग्राफ। तो यहाँ पे ये वाली ग्राफ की लाइन है, तो हम देखते हैं कि ग्राफ वाली जो भी लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर ग्राफ वाली लाइन x एक्सिस को कट कर रही है फिर तो नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। आप इस लाइन को देख रहे हैं, ये है ग्राफ की लाइन, ये ग्राफ की लाइन केवल y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। दैट मीन कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे जीरो, मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, एक भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट नहीं होंगे। तो ग्राफ वन के लिए नंबर ऑफ जीरोस है जीरो, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी जीरोस फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। सेकेंड है, आप देख रहे हैं ये लाइन ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, बट हमें देखना है कि x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये ग्राफ x एक्सिस पे वन टाइम कट कर रही है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होगा वन। सेम यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ x एक्सिस पे देखते हैं कितने टाइम कट करती है, यहाँ पे कट कर रही है ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड ये रहा थर्ड पॉइंट। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे थ्री। सेम यहाँ पे फोर्थ ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होगा टू। सेम हम फिफ्थ ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, मैं मार्क करती जा रही हूँ, आप इजीली देख सकते हैं ये टोटल फोर पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसलिए इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज होंगे फोर। नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट वन टू एंड थ्री, नेक्स्ट ग्राफ में एक्स एक्सिस को ग्राफ थ्री पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे थ्री। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना ही इजी है, आपको जस्ट यहाँ पे px दिया जा रहा है, इसलिए हम x एक्सिस को चेक करेंगे कि x एक्सिस पे ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है, वही होगा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, ठीक है। ये तो आप ऐसे समझ गए, बट इसे प्रॉपर वे में राइट करना होगा, तो आप कैसे राइट करोगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ग्राफ के लिए, देयर आर नो जीरोस एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, बिकॉज कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी जीरोस नहीं होंगे। यहाँ मैं आपको ग्राफ के साथ में शो करती हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए देयर आर नो जीरोस, इसलिए ग्राफ फर्स्ट के लिए कोई भी जीरोस नहीं होंगे। सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1.1 ले। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 1 है, क्यों? बिकॉज कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को केवल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम थर्ड पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। यहाँ थर्ड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, इसका रीजन ये है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन में
नंबर ऑफ जीरोज होंगी 3। अब नेक्स्ट ग्राफ को चेक करते हैं, फोर्थ है, द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। यहाँ फोर्थ ग्राफ में हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। फिफ्थ में देखते हैं द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। यहाँ पे फिफ्थ ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। सेम सिक्स्थ ग्राफ में भी है, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। यहाँ पे ग्राफ में ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो ये जो भी लैंग्वेज राइट किया हुआ है इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने राइट किया सेम आप वही राइट करो। आप ऑल ओवर सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोज अच्छी लगी होंगी एंड सारे क्वेश्चन सारे ग्राफ आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है देन लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।